हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने सुना था विभूषण की मैरिज साउ सिंचन के साथ हो रही थी, पर साउ सिंचन मारा जाता है और वैन एम्परर विभूषण को उसकी एम्प्रेस बनने के लिए ऑफर देता है, जिसे विभूषण एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है और अपसेट भी। वो बस पर ऐसे बैठा हुआ था, वहाँ एम्प्रेस आती है और विभूषण को देख उसे तो उस पर काफ़ी गुस्सा आ रहा था। वो विभूषण को हर्ट करने लगती है, वो उसकी गर्दन दबाने लगती है। विभूषण अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है, उसका दम घुट रहा था। एम्प्रेस तब उसकी गर्दन नहीं दबाती, बस उसे गर्दन से पकड़ी हुई थी। विभूषण की तो आंखों से आंसू निकल रहे थे, अब वो उस एम्प्रेस की आंखों में अपने लिए नफरत साफ देख पा रहा था। एम्प्रेस उसे एक स्लैप लगाती है और उसे छोड़ देती है। विभूषण बहुत बुरी तरीके से रोता है, वो काफी डर चुका होता है। एम्प्रेस उससे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, आखिरकार वो एक कल्टिवेटर थी और विभूषण तो उसके सामने एक साधारण सा ओमेगा था। इससे पहले एम्प्रेस उसे और हर्ट कर पाती, एक सर्पेंट एम्प्रेस के सामने झुकती हुई कहती है, एम्प्रेस प्लीज इसे कुछ मत कीजिए, वरना एम्प्रेस को इस बारे में पता चलेगा कि आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ये सुन एम्प्रेस कहती है, अब तुम मुझे बताओगे मेरे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं। तब सर्पेंट माफी मांगने लगती है, माफ कर देना एम्प्रेस, पर अगर इसे कुछ हो जाता है तो एम्प्रेस को काफी गुस्सा आएगा। हमें तो बस एम्प्रेस के गुस्से का डर है। एम्प्रेस को भी उसकी बात सही लगती है और वो खुद को से शांत करती है, पर वो अभी भी अपनी नैरो आईज से विभूषण की तरफ देख रही थी और वो कहती है, यू विच, तुमने यहाँ आते ही एम्प्रेस को किस तरह से सेड्यूस किया है, वो तुम्हारे कारण मेरी पोजीशन को छीनना चाहते हैं, पर मैं इतनी आसानी से ऐसा होने नहीं दूंगी। वहीं विभूषण अब उसे डिसबिलीव से देखने लगा, इसमें उसकी क्या गलती है, वो यहाँ अपनी मर्जी से थोड़ी ना आया है, उसे तो यहाँ लाया गया है। वहीं एम्प्रेस वहां से जाते हुए कहती है, तुम देख लेना मैं तुम्हें एक अच्छा सबक जरूर सिखाऊंगी। विभूषण अपने गालों पर हाथ रखता है, उसे सकते हुए रोने लगता है, आखिर उसकी क्या गलती है, उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और ये सीन यही कट होता है। अगले सीन में विभूषण को सर्वेंट फिर से उसे खाने के लिए पूछती है, पर विभूषण मना कर देता है। सर्वेंट परेशान होती है, वो यहाँ जब से आया है तब से विभूषण ने कुछ भी नहीं खाया है, उसका पूरा चेहरा पेल पड़ चुका है, उसके चेहरे की पूरी रौनक ही जा चुकी है। वो उस कमरे में चुपचाप उदास सा बैठा रहता है, वो कुछ भी नहीं करता। उस कमरे में एम्प्रेस के सपोर्टिनेट आते हैं और वो विभूषण को पकड़ कर अपने साथ ले जाने लगते हैं। वो सर्वेंट भी कुछ भी नहीं कर पाती। विभूषण को वो सपोर्टिनेट कहते हैं, तुम्हें ये बाथ टब को फुल करना होगा। वो बाथ टब बहुत ही बड़ा था और विभूषण को अकेले ही उसमें पानी भरना था, वो भी आधे घंटे के अंदर, जिसे सुन विभूषण शॉक्ड होता है। वो सभी कहते हैं, अगर तुमने ये काम पूरा नहीं कर पाए तुम्हें एक अच्छी खासी पनिशमेंट मिलेगी, तो काम शुरू करो। विभूषण क्या ही कर सकता था, उसने काम करना स्टार्ट किया। वो पहले पॉन्ड के पास जाता है, वहां से पानी बाल्टी में भरकर बाथटब में डालता है और ऐसे ही समय बीत रहा था, ना जाने उसे कितनी बार चढ़ना पड़ा होगा। वो देखता है लगभग उसने बाथटब भर दिया है, अब वहां खड़े हुए वो बस सही कर रहा था। एम्प्रेस के सबऑर्डिनेट आकर कहते हैं, तुम्हारा समय खत्म होता है और तुमने अपना काम पूरा नहीं कर पाया है, चलो हमारे साथ, तुम इतना सभी काम नहीं कर सकते, तुम किसी काम के नहीं हो। वो तो बिना वजह उसे खड़ी खोटी सुना रहे थे और उसके काम पूरा ना करने की वजह से वो उसे स्टेप करने लगते हैं। वो छड़ी से लगातार विभूषण को मारते हैं। विभूषण को अपने बैक में बहुत दर्द हो रहा था और उसे समझ आ रहा था ये तो बस उसकी टॉर्चर की शुरुआत है। सीन ही कट होता है। अगले सीन में विभूषण अपने रूम पर था और बेड पर लेटा हुआ था और सर्वेंट उसकी बैक पर मरहम अप्लाई कर देती है और कहती है, इससे थोड़ा आपको आराम मिल जाएगा। विंग की बैक काफी रेड हो चुकी थी छड़ी से उसकी बैक पर मारने की वजह से। सर्वेंट वहां से चली जाती है। सर्वेंट के जाने के थोड़ी देर बाद वैन चाओ आता है और वैन चाओ जब विभूषण की ऐसी हालत देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आने लगता है। जब विभूषण नोटिस करता है वैन चाओ उसकी तरफ देख रहे हैं तो जल्दी से ब्लैंकेट अपने ऊपर डाल लेता है और अपना फेस टू से सेट कर लेता है। वैन चाओ आगे बढ़कर कहता है, तुम्हें किसने हर्ट किया। विभूषण कोई भी जवाब नहीं देता और अपनी आंखें टाइटली बंद कर लेता है। वैन चाओ तब बेड पर आकर कहता है, तुम्हें क्या ज्यादा पेन हो रहा है, जिसे
बेड पर आते देख विभूषण खुद को प्रियंका से पूरी तरह से कवर कर लेता है और वो बेड के दूसरे साइड चल जाता है और कहता है, एम्परर मैं ठीक हूँ, आप यहाँ से जा सकते हैं। पर वैन चौ वहाँ से जा नहीं रहा था और विभूषण की तरफ देख रहा था, जो ब्लैंकेट को काफी टाइटली होल्ड करके रखा हुआ था। जो तुम्हारे साथ हुआ गलत हुआ, मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूंगा तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ ना हो, पर तुम अगर मुझे मैरिज कर लो तो तुम्हारे पास एक पोजीशन आ जाएगी, तुम्हें कोई भी हट करने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। जिसे सुन विभूषण को तो बहुत गुस्सा आता है, एम्परर बस अपना फायदा देख रहा है और वो कहते हैं, एम्परर आप प्लीज यहाँ से चले जाइए, और रही बात मैरिज की तो मैं आपसे कभी भी मैरिज नहीं करूँगा, मुझे आपकी शान और शौकत की जरूरत नहीं है, मैं एक आम सा ओमेगा हूँ और वही ठीक हूँ, मुझे यहाँ से जाने दीजिए। तब एम्परर अपनी थोड़ी ऊंची आवाज में कहता है, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो, तुम मुझे रिजेक्ट कर रहे हो। जिसे सुन विभूषण कहता है, हाँ। वैन चाओ अपनी भावे से कोरता है और कहता है, तुम्हें एक बार फिर से सोचना चाहिए। जिस पर विभूषण निडर होकर कहता है, मुझे दोबारा सोचने की जरूरत नहीं है, मेरा डिसीजन यही है, अब कृपया करके अब यहाँ से चले जाइए। जिसे सुन वैन चाओ को थोड़ा गुस्सा आता है, पर वो विभूषण से कुछ नहीं कहता और एक अपने कपड़े एटीट्यूड में झटक वहाँ से चला जाता है। उसके चले जाने के बाद विभूषण साय करता है और वो अपने ऑफर के क्लोथ जल्दी से पहनता है। वो अभी भी अपने उसी वेडिंग ड्रेस को पहनता है और उसकी आंख भर आती है। दूसरी तरफ वैन चाओ वो एम्प्रेस को एक जोरदार थप्पड़ लगाता है और गुस्से से कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे हर्ट करने की, अगर तुमने ऐसा कुछ दोबारा किया तो मैं तुम्हारे चेहरे का हुरिया ही बदल दूंगा। जिसे सुन एम्प्रेस कहती है, एम्प्रेस अब पहले तो ऐसे नहीं थे, आपको इतना फर्क क्यों पड़ रहा है, और वैसे भी कॉन्सर्ट वेयर में क्या चल रहा है इसे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ये सब देखना मेरी जिम्मेदारी है, और रही बात उसे हर्ट करने की तो मैंने उसे अभी तक हर्ट नहीं किया है बल्कि सिर्फ उसे पनिशमेंट दी है, उसने आज अपना काम पूरा नहीं कर पाया। तभी एम्प्रेस चिल्लाते हैं, बकवास बंद करो, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बातों पर आ जाऊंगा, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या खेल खेल रही हो, मैं तुम्हें वॉर्न कर रहा हूँ अगर उसे जरा से भी अब खरोच आई तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। सके एम्परर वहाँ से गुस्से से चला जाता है, वही एम्परर गुस्से से अपना दांत पीसती है। ये सीन यही कट होता है और अगले दिन के आफ्टरनून का सीन दिखाया जाता है, जब विभूषण की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी, वो बहुत ही ज्यादा वीक हो चुका था, वो यहाँ जब से आया उसने कुछ भी नहीं खाया है, उसका मन ही नहीं कर रहा है, अब इतना कुछ हो गया उसके साथ तो वो भला कैसे नॉर्मल रह सकता है। वो देखता है सर्वेंट थोड़ी देर के लिए रूम से बाहर गई है, वो भी रूम से बाहर निकल जाते हैं और वो इधर उधर देख रहा था, वो जगह काफ़ी बड़ी थी, वो यार्ड से होते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करता है पर इस जगह से वो कैसे निकले उसे समझ नहीं आ रहा था। जब वो देखता है कुछ सर्वेंट उसके सामने से आ रहे हैं तो वो छुप जाता है और गलती से वो एक कमरे में दाखिल हो जाता है, वहाँ सारी किताबें थी, वो एक लाइब्रेरी थी। बाहर की आवाज़ों से वो समझ जाता है सबको पता चल गया है वो अपने रूम में नहीं है, इसलिए बाहर काफ़ी ज़्यादा शोर होने लगा था, वो लाइब्रेरी में ही छुपे रहने का फैसला करता है। कुछ लोग लाइब्रेरी में चेक करने के लिए आते हैं तो विभूषण एक कोने में जाकर छुप जाता है, पर इसी बीच उसका हाथ किसी चीज़ से टकराता है जिसकी वजह से एक सीक्रेट डोर ओपन हो जाता है। विभूषण देर नहीं करता और वो उसके अंदर चला जाता है। जब वो सर्वेंट वहाँ चेक करने के आते हैं तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। विभूषण उस रूम को एक्सप्लोर करने लगता है, वहाँ पर बस एक कैंडल जली हुई थी और काफ़ी सारी स्कूल किताबें रखी हुई थी। उसे समझ नहीं आता वो क्या करे, वो यहाँ अंदर तो आ गया है लेकिन यहाँ से बाहर कैसे निकलना है उसे समझ नहीं आ रहा था। वो थोड़ी देर वैसे ही वहाँ घूमते रहता है, उसे एक स्कूल मिलता है जिसे वो पढ़ने लगता है, तब उसे समझ आता है ये ब्लैक मैजिक का स्पेल है, यहाँ पर ऐसी बहुत सी किताबें हैं जिसमें ऐसे स्पेल लिखे हुए हैं, तिलिस्मान बनाने की विधि भी लिखी हुई है। उसे पढ़ वो ट्राई करने लगता है क्योंकि इन विधियों का इस्तेमाल करने के लिए गोल्डन कोर का होना ज़रूरी नहीं है, और वो जो तिलिस्मान बनाने की कोशिश कर रहा था उसने आखिरकार एक तिलिस्मान बना लिया, और उस तिलिस्मान की जांच के लिए भी कोई पर्सन वहाँ खड़ा हुआ था जो विभूषण को ये सब करते हुए देख रहा था। और फिर वो अंधेरे से बाहर आते हुए कहता है, क्या बात है तुमने इसे 3 घंटों में ही सीख लिया। वेंजिंग विभूषण के पास आते हुए कहती है,
विभूषण तो उसकी आवाज सुनकर थोड़ा डर गया था और फिर थोड़ा सहम जाता है। फेंचिंग उसके पास आकर उसके दिल आसमान को देखते हुए कहती है, नॉन वरी, इसे बनाने में काफी समय लगता है। जो कि तुम एक कल्टीवेटर नहीं हो, फिर भी तुम इतनी ही आसानी से इन चीजों को सीख लिए, तुम तो काफी टैलेंटेड निकले। विभूषण ये सुनने के बाद भी कुछ नहीं बोला, वो बस फेंचिंग की तरफ देख रहा था। फेंचिंग आगे कहती है, मेरा नाम फेंचिंग है और यहाँ की सारी चीजें मेरी हैं। वैसे तुम अगर ब्लैक मैजिक सीखना चाहते हो तो यहाँ तुम मेरे पास आ सकते हो, मैं तुम्हें बाकी के रिसोर्सेस भी प्रोवाइड करूंगी। फेंचिंग चमकती हुई आंखों के साथ और एक रहस्यमय स्माइल के साथ विभूषण की तरफ देख रही थी। विभूषण को समझ नहीं आ रहा था उसे क्या कहना चाहिए। फेंचिंग विभूषण को कुछ न बोलते देख कहती है, तुम्हें मुझे अभी आंसर देने की जरूरत नहीं है, तुम बाद में मुझे सोच कर बताना। वैसे क्या तुम वही ओमेगा हो जिसे वेंसो लेकर आया था? वैसे मैंने सुना वेंसो ने तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दिया है। जिसे सुन तो विभूषण का फेस कई इमोशन से घिर जाता है और फिर वो अपनी भरी हुई आवाज में फेंचिंग से कहता है, क्या आप मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बता सकती हैं? जिसे सुन फेंचिंग चुप रहती है और फिर वो कहती है, हाँ ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर जाने का रास्ता बता सकती हूँ, पर यहाँ से तुम बाहर जा पाते हो कि नहीं ये तुम पर डिपेंड करता है। ऐसा कहकर वो फेंचिंग विभूषण को रास्ता बता देती है। विभूषण फेंचिंग को अपनी मदद के लिए थैंक्स कहता है और वहाँ से वो चला जाता है, क्योंकि वेंचिंग ने तो इस पहले से बाहर जाने का पूरा रास्ता ही बता दिया था उसे। विभूषण छुपकर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, पर वो पहले था तो सैनिक तो निगरानी में होते ही हैं और उन्होंने विभूषण को पकड़ लिया। और यहाँ पर ये सीन कट होता है। अगले सीन में विभूषण उसी कमरे में होता है। रात भी काफ़ी हो चुकी थी पर उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था, वो बस करवटें बदल रहा था। तभी उसके रूम में एम्परर आता है जो कि शायद ड्रंक लग रहा था। एम्परर को देखकर विभूषण कहते हैं, एम्परर आप? और वो ऐसा कहकर पेट से उठ चुका था। एम्परर एक स्मग के साथ उसके पास आने लगता है और कहता है, मैं चाहता था तुम खुशी से मेरे हो जाओ, पर तुमने तो मुझे रिजेक्ट कर दिया। मुझे तुम्हारे रिजेक्शन का बहुत बुरा लगा, बट आई लाइक दिस योर एटीट्यूड। तुम तो एम्परर के खिलाफ भी खड़े हो सकते हो। वो ऐसा करके विभूषण के पास आ चुका था। विभूषण पीछे हट जाता है। एम्परर उसे फिर सुनने की कोशिश करता है। विभूषण दूर होते हुए कहता है, एम्परर ये आप क्या कर रहे हैं? आप मेरे साथ गलत कर रहे हैं। आप एक एम्परर हैं, फिर भी आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपकी कोई मर्यादा है कि नहीं? आपके उस सर्वे ने मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया और आप मुझे फोर्स कर रहे हो। इस पर एम्परर कहता है, मुझे इसका अंदाजा नहीं था वेंसो ऐसा भी करेगा, मैंने तो बस तुम्हें लाने के ऑर्डर दिए थे। इस पर विभूषण को बहुत गुस्सा आता है, वो अपनी भड़ास निकालते हुए कहता है। इस पर विभूषण कहते हैं, तो आपको उसे सजा देनी चाहिए थी। पर नहीं, आपने उसे कोई सजा नहीं दी, आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी वजह से मेरी पूरी फैमिली बर्बाद हो गई और आपको लगता है मैं आपको अपनी खुशी से अपनाऊंगा? हर किस नहीं, आप जैसे घटिया अल्फा के साथ मैं नहीं रह सकता, मुझे यहाँ से जाने दीजिए, नहीं तो मैं खुद की जान ले लूंगा। ये सुन वेंचो चिल्लाता है, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो, मैंने तुम्हें मौका दिया, तुम्हें अच्छे से ट्रीट किया, मैं तुम्हें अच्छी लाइफ देना चाहता था, पर नहीं तुम इसके काबिल नहीं हो। तब विभूषण कहता है, क्या आपको मेरी बातें चुभी? हाँ, क्योंकि मैं सच बोल रहा था, आप एक घटिया अल्फा हो। अब वेंचो ये कैसे सहन कर पाता एक ओमेगा? उसे अनापसन आप कहे। वो विभूषण को पकड़ता है। तब विभूषण कहता है, एम्परर छोड़िए मुझे, जाने दीजिए। उसकी सांस भी भारी हो गई थी और वो रोने भी लगा था, क्योंकि एम्परर की पकड़ बहुत ही मजबूत थी। वो काफ़ी ज़्यादा डर गया। आखिर उसने एम्परर को अब गुस्सा दिला दिया है। एम्परर अपने लार्ज हाथों से विभूषण के फेस्ट को पकड़ रखा था और वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगा था। विभूषण खुद को छुड़ाने की बहुत स्ट्रगल करते हैं, पर एम्परर अब उसे पेट मिलाकर पटक देता है। विभूषण भागने की कोशिश करने लगता है, पर वो ऐसा कर नहीं पाता। वो अपने ऊपर एम्परर के हैवी वेट को अच्छी तरह से फील कर पा रहा था। वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था, वो रो रहा था, चिल्ला रहा था, एम्परर से अब रिक्वेस्ट कर रहा था, पर एम्परर के कानों में तो जो तक न रहेंगे। वो तो विभूषण के कपड़े फाड़ने लगा था, वो तो अब बेस्ट बन चुका था
विभूषण चिल्लाया, एम्पर मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वो एम्पर से खुद को दूर करने कोशिश करने लगा और वो उठकर पेड़ से भागने की कोशिश कर रहा था, पर एम्पर उसकी लेग को पकड़ रखा था। विंग का हाथ पास की टेबल पे टकराया, तभी एम्पर उसके पैर को पकड़कर अपनी तरफ खींचता है। विभूषण ने उस टेबल से एक जग उठा लिया था और वो सीधा एम्परर के सर पे उसे फोड़ देता है। एम्परर के सिर से तो ब्लीडिंग होने लगती है। विभूषण मौके का फायदा उठाकर वहां से भागता है। जब वो उस कमरे से बाहर निकलकर दौड़ रहा था और रास्ते पर ही उसकी टक्कर एक सैनिक से हो जाती है और वो नीचे गिर जाता है और वो खुद की बदन को छुपाने लगता है और अपने थोड़े बहुत कपड़ों से अपनी थाई को भी वो छुपा रहा होता है। वो अपना सर नहीं उठा रहा था, पर उसे पता चल रहा था कैसे वो सभी उसकी तरफ देखे जा रहे हैं। उसे बहुत इंसल्टेड फील हो रहा था। वो अपनी बची खुशी कपड़ों से खुद को ढकने की कोशिश कर रहा था। जब एक सैनिक विभूषण की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाता है, विभूषण घसीटता हुआ पीछे हटने की कोशिश करता है। उसे वो सभी भेड़िए लग रहे थे जो उसे बस खाना चाहते हैं। जिस तरह से वो सभी लस्टपूर्ण उसकी तरफ देख रहे थे, उसे बहुत डर लग रहा था। तभी एक आवाज आई, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? एम्परर वहाँ आते हुए कहता है और उसने अपने सर पर हाथ रखा हुआ था। वो सभी सैनिक एम्परर के आगे झुक जाते हैं। वही एम्परर अपनी और कोट को निकाल कर विभूषण के ऊपर डाल देता है। अगर दूसरी सिचुएशन होती तो वो कभी एम्परर के कोट को एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन इस वक्त उसके पास एम्परर के कोट के पहनने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। वो एम्परर के कोट को अब पहन लेता है, जिसे वो पूरी तरह से ढक चुका था, पर वो अभी भी फर्श पर बैठा हुआ था। एम्परर उनकी चिंग को पकड़ता है और कहता है, तुमने एक एम्परर पर वार किया है, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी, उसके बाद तुम्हारी सारी अकड़ ठिकाने आ जाएगी। और गुस्से से विभूषण के फेस की तरफ देखता है। विभूषण अपनी आंखें टाइटली बंद कर लेता है। एम्परर उसके फेस को थोड़ा और ऊपर करता है और थोड़ा झुक कर विभूषण को किस कर लेता है। वो भी उन सैनिकों के सामने वो विभूषण को टिप किस कर रहा था। वहीं विभूषण कुछ भी नहीं कर पाया, बस उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। एम्परर ने ऐसा जानबूझकर किया ये जताने के लिए कि ओमेगा उसका है और उसके अलावा कोई और इसे हाथ ना लगाए। और वो विभूषण को छोड़ देता है और उन सैनिकों को विभूषण को कालकोठरी में ले जाने का ऑर्डर देता है। वो सैनिक विभूषण को दरवाजे की नोक पर कालकोठरी के अंदर ले जाने लगते हैं। किसी ने भी उसे हाथ नहीं लगाया था। वहीं विभूषण बस चुपचाप आगे चलता जा रहा था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, उसे कालकोठरी के भयानक दृश्य दिख रहे थे। वो कालकोठरी के और भी अंदर जाता जा रहा था। जैसे वो अंदर जा रहा था, अंधेरा और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। जलते हुए शमशान की मदद से वहाँ रोशनी थी। विभूषण को एक कालकोठरी के अंदर ढाल देते हैं। विभूषण वो वहाँ अकेला था। वो रोता है और अपनी मौत को पोंछता है। एम्परर बहुत ही गंदे और घटिया हैं, वो बहुत ही बुरे हैं और उनके साथ उनके सैनिक भी सबके सब एक नंबर के बेरहम हैं। वो एम्परर के दिए कोट को निकाल कर फेंकता है। उसे खुद से एम्परर की सैंड की स्मेल आ रही थी। उसे एम्परर का टच बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। वो अपनी बॉडी को रगड़ने लगते हैं और चिल्लाता है, मेरे साथ आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने क्या गलत किया था? वो यहाँ पूरी तरीके बर्बाद हो चुका है। उसका सब कुछ खत्म हो गया, उसका प्यार चला गया, उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो चुकी है। अब वो क्या यहाँ पूरी जिंदगी भर सड़ेगा? वो मर क्यों नहीं जाता? विभूषण तो सुसाइड करने के बारे में सोच रहा था। वो इतना ज्यादा डिप्रेस हो चुका था, वो बस अपनी आंखों से आंसू पोंछ रहा था। तभी उसे पैरों के चलने की आहट सुनाई देती है जो उसकी तरफ बढ़ रहे थे। विभूषण लोहे के बने उस दरवाजे की तरफ देखते हैं। वहां से एक पर्सन अंदर आने लगता है। विभूषण तब पेंचों के कपड़ों को ढूंढने लगता है। वो उसे उठाकर ना चाहते हुए भी उसे पहन लेता है और वो कर क्या सकता था। वो सामने देखता है तो सामने वेंसु खड़ा हुआ था, जो मसाल की रोशनी की वजह से उसका चेहरा साफ दिख रहा था। उसे देखकर तो विभूषण के तन बदन में आग लग जाती है। उसे याद आता है कैसे वेंसु ने उसके पिता की हत्या की थी। वो गुस्से से अपने दांत पीसने लगता है, अपनी मुट्ठी पीसने लगता है। वो तो वेंसु को मार देना चाहता था, लेकिन वो इसके लिए अभी सक्षम नहीं है। वेंसु मसाल को एक जगह रखता है। अब विभूषण का फेस उसे साफ दिख पा रहा था। विभूषण के हल्के पिंक लिप्स जिससे ब्लीडिंग भी हो रही थी,
और उसकी नोज जो रेड हो चुकी थी और गुस्से से भरी उसकी रेड आईज जो उसे बहुत बुरी तरीके से घूर होता है, उससे बड़े साइज के उसके कपड़े जिसे उसने संभाल कर रखा हुआ था। फैंस उसे देख कर स्मक के साथ कहता है, तुम बहुत क्रेजी हो, तुमने एम्प्रा को गुस्सा दिलाया। अगर एम्प्रा तुम्हें पसंद ना करते होते तो अब तक तुम्हारी स्थिति इससे भी बुरी होती। विभूषण बस अपना मुंह फेरता है। फैंसू तब उसके पास आ जाता है और वो विभूषण के चिन को पकड़ता है। विभूषण उसका हाथ हटाने की कोशिश करता है पर फैंसू ऐसा करने नहीं देता। फैंसू कहता है, तुम्हें यहाँ एम्प्रा को सर्व करने के लिए लाया गया है, तुम्हें उन्हें खुश करना चाहिए पर तुमने अपना काम ठीक से नहीं किया। चलो आज मैं तुम्हें एक लेसन सिखा देता हूँ। विभूषण को उसकी बातें समझ नहीं आ रही थी पर जल्दी उसे समझ आया फैंसू गलत हरकत करने वाला है। फैंसू के हाथ विभूषण के कपड़ों के अंदर जाकर उसे फेस से पकड़ रखा था। विभूषण खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, उसे धक्का देता है, उसे मारता है पर फैंसू तो बहुत हालसली विभूषण को पकड़ता है और उसकी नेक पर किस कर रहा होता है। विभूषण को एहसास होता है फैंसू का टच एम्परर के डर से बहुत ही हास है, उसने कितनी बुरी तरीके से उसे ग्रैप किया है। एम्परर तो उससे काफ़ी जेंटल थे, इसीलिए विभूषण उनके पकड़ से छूट पाया था लेकिन फैंसू से वो नहीं छूट पा रहे। तभी किसी ने फैंसू को विभूषण से अलग किया और फैंसू को इतनी बुरी तरीके से धक्का दिया कि वो जाकर वॉल पर टकराया। फैंसू खुद को संभाल कर सामने की तरफ देखते तो सामने फैंसी खड़ी होती है जो विभूषण को संभालती है। विभूषण तो पूरी तरह से कांप रहा होता है। फैंसी कहती है, शायद तुम भूल गए हो, जब तक एम्परर तुम्हें परमिशन नहीं देते हैं किसी ओमेगा को टच करने की तब तक तुम किसी ओमेगा को हाथ नहीं लगा सकते और यहाँ जो भी ओमेगा है वो सिर्फ एम्परर को सर्व करने के लिए, जब तक एम्परर उन्हें छोड़ नहीं देते तब तक तुम उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। फैंसू गुस्से से फेंचिंग की तरफ देखते हुए कहते हैं, यू विच। तभी फेंचिंग कहती है, चले जाओ यहाँ से नहीं तो ये बात मैं एम्परर तक पहुँचा दूंगी। फैंसू कहता है, ठीक है मैं जा रहा हूँ। वो ऐसा कहकर गुस्से से चला जाता है। फेंचिंग विभूषण को संभालती है जो बहुत रो रहा था। विभूषण के शांत होने के बाद फेंचिंग उसे खाने के लिए कुछ देती है। विभूषण उसे मना कर रहा था तब फेंचिंग कहती है, तुम्हें इसे खाना ही होगा, तभी तो तुम्हें लड़ने की ताकत मिली है और अगर तुम इसे खाते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये सुनने के बाद विभूषण तुरंत उस खाने को खाने लगता है और फिर वो खाते हुए फेंचिंग को देखता है और कहता है, आखिर तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो। ये सुनने के बाद फेंचिंग कहती है, मेरे अपने मकसद है जिसमें तुम मेरे बहुत काम आओगी, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। ये सुनने के बाद विभूषण थोड़ा घबराते हुए कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा। ये सुनकर फेंचिंग सिर्फ स्माइल करती है। फेंचिंग तो विभूषण का बस इस्तेमाल करना चाह रही थी, उसे विभूषण भी टैलेंटेड भी लगा था, कल्टीवेटर ना होने के बावजूद उसे ब्लैक मैजिक की अच्छी समझ है, अगर उसे रिसोर्सेस मिले तो वो काफी आगे बढ़ सकता है और ऐसा दरबार बन सकता है जो सिर्फ उसके इशारों पर चले। तभी विभूषण फेंचिंग से कहता है, प्लीज मेरी मदद कर दो, मुझे यहाँ से जाना है। ये सुनकर फेंचिंग कहती है, मैं तुम्हारी इस पर कोई मदद नहीं कर सकती, अगर मैं ऐसा करती हूँ तो मेरी लिए मुसीबत बढ़ जाएगी, मुझे माफ कर देना, तुम्हें अपनी मदद खुद से करनी होगी। विभूषण सैडली कहता है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। फेंचिंग कहती है, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो वन चाओ को खुद को सबमिट कर दो या उसे मार डालो अगर तुम्हें यहाँ से निकलना है। यह सुनकर विभूषण आंखें बड़ी पड़ करके फेंचिंग को देखता है। फेंचिंग कहती है, तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा, तुम्हारे पास एक रास्ता है, तुम्हारे पास टैलेंट है, तुम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से समझते हो, ब्लैक मैजिक की मदद से तुम किसी पर भी जीत हासिल कर पाओगे। विभूषण कहता है, पर ब्लैक मैजिक करना तो गलत है ना। ये सुनकर फेंचिंग कहती है, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए सही गलत नहीं देखते, और वैसे वो क्या था जब फैंसू ने तुम्हारे पिताजी को मार दिया था, क्या वो गलत नहीं था, तुम्हारे पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया, क्या तुम्हें उनसे बदला नहीं लेना है। ये सुनने के बाद तो विभूषण की आंखें बिल्कुल साफ हो चुकी थी और वो फेंचिंग की सारी बातों को सुन रहा था। फेंचिंग आगे कहती है, तुम या तो कमजोर ओमेगा की तरह अपनी लाइफ बर्बाद करो या तो खुद को इतना स्ट्रांग बनाओ जिससे तुम रिवेंज ले सको। विभूषण कहता है, मैं रिवेंज चाहता हूँ, मैं फेंसू को नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे मार डालूंगा, उसने मेरा सब कुछ छीन लिया, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। फेंचिंग की स्मक करती है, वो तो अलग ही गेम खेल रही थी।
उसके लिए विभूषण एक इम्पोर्टेंट मोहरे की तरह था जो अब उसके हाथ आ चुका है। वो वेन चाओ से काफी नफरत करती थी क्योंकि वेन चाओ ने उसके भाई को मार डाला था और इसलिए वो रिवेंज चाहती थी और वो इसलिए बहुत चलाकी से साजिश कर रही थी। वो विभूषण से कहती है उसे उसकी सारी बातें माननी है, वो उसे हर तरह से मदद करेगी स्ट्रॉन्ग बनने में। और यहाँ पर ये सीन कट होता है। अगले सीन में विभूषण को कारागृह से बाहर निकाला जाता है। वो पिछले 2-3 हफ्तों से वही बंद था और अब जाकर उसे बाहर निकाला जाता है। विभूषण अपना सर झुकाए वेन एम्परर के सामने खड़ा हुआ था। एम्परर कहता है अब तक तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका होगा, तुमने क्या किया था तो अब मुझसे माफी मांगो। ये सुनकर विभूषण अपना सर उठाकर वेन चाओ की तरफ देखता है। वह कहता है मैंने कोई गलती नहीं की थी, तुम्हें माफी किस बात की मांगू। वेन चाओ उसकी तरफ गुस्से से देखता है, उसकी आंखों में उसे बिल्कुल भी डर नहीं दिख रहा था और उसका एटीट्यूड भी बदल चुका था, वो उसके सामने झुकना नहीं चाहता। वेन चाओ अनंग टोन में कहता है आखिर तुम किस बात के लिए इतना अकड़ रहे हो। विभूषण अपनी मुट्ठी पीटता है। वेन चाओ तब उसके पास आकर कहता है कारागृह में रहने की वजह से तुम्हें तो धूल जम गई है पर उसके बावजूद तुम्हारी ब्यूटी बरकरार है। वो ऐसा कहकर विभूषण के फेस को टच कर रहा था। विभूषण उसके हाथ को झटकता है। वेन चाओ गुस्से से अपना दांत पीसता है और वो विभूषण के उसे बालों से पकड़ता है। विभूषण दर्द से अपनी आंखें बंद कर लेता है और फिर वो गुस्से से वेन चाओ की तरफ देखता है। इसे आज रात के लिए तैयार करो, मुझे ये अपने पेट पर चाहिए। और ऐसा कहकर वेन चाओ उसे रोटी थक्का देता हुआ छोड़ देता है। विभूषण को रेडी करने के लिए वहाँ के सर्वेंट ले जा रहे होते हैं, उसे स्नान करवाते हैं, उसे रेडी कर रहे होते हैं बिल्कुल एक दुल्हन की तरह। और विभूषण ये सबसे अनंग हो रहा था पर वो शांति से जो वो कर रहे हैं उसे करने देता है। जब वेन चाओ उस रूम में आता है तो वो सारी सर्वेंट वहाँ से चली जाती है। वेन एम्परर विभूषण को बैक से हग करता है। विभूषण को बहुत गुस्सा आ रहा था पर वो खुद को शांत रखता है क्योंकि उसका इलाका वेन चाओ को बहलाते हुए उसे पॉइजन नीडल के इस्तेमाल से मार डालना था। और वो जब ऐसा करता है तो वेन चाओ उसे पकड़ लेता है और उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है ओह तुम्हें ऐसा लगता है मुझे इतनी आसानी से भी मारा जा सकता है। विभूषण तब स्माइल के साथ कहता है पर मेरा इरादा तुम इसे पॉइजन देकर मारने का नहीं था बल्कि कर्ज देकर मारने का था। तुमने जब इस नीडल को छुआ उसके बाद से तुम्हें कर्ज लग चुका है। ये सुनने के बाद वेन चाओ थोड़ा गुस्से से विभूषण के गर्दन को पकड़ता है। विभूषण बस स्माइल कर रहा होता है। वेन चाओ तो कुछ थोड़ा गुस्से से कहते हैं तुमने मुझे जो तोहफा दिया है उसे तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया, अब मेरे दिए तोहफे को भी तुम बर्दाश्त करो। ऐसा कहकर वेन चाओ उसे मार्क कर देता है। विभूषण तब दर्द में चिल्लाता है। वेन चाओ उसे छोड़ देता है। विभूषण फर्श पर गिर जाता है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। उसे बहुत दर्द हो रहा था, ऊपर से ये वेन चाओ की फ्रेग्रेंस उसके माइंड को ब्लैंक कर रही थी। वेन चाओ उसके पास बैठकर कहता है तो कैसा लगा मेरा तोहफा, मैंने आज से पहले किसी ओमेगा को मार्क नहीं किया है। तुम पहले ओमेगा हो और अब से हम बॉन्डेड है। वेन चिल्लाने लगते नहीं नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता, नहीं मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करूँगा, मैं तुम्हारे काबू में नहीं आऊँगा। हर किस नहीं वो वेन चाओ से दूर जाने लगते हैं। वेन चाओ तो उससे कहता है तुम जा कर भी मुझसे दूर नहीं जा सकते, यू क्रेजी ओमेगा, अब तुम मुझसे बॉन्डेड हो और मैं तुम्हारा अल्फा हूँ। विभूषण चिल्लाता है कभी नहीं, मैं साउथ सिंचेन के अलावा किसी को एक्सेप्ट नहीं करूँगा, मैं किसी अल्फा को नहीं चाहता। वेन चाओ कहता है क्या बकवास कर रहे हो, तुम ना ड्रामा बंद करो। और वो विभूषण को पकड़ता है तो विभूषण एक तिलस्मन उसके पर चिपका देता है। एक धमाका होता है और वेन चाओ पीछे हट जाता है। विभूषण भी दूर पीछे खिसक जाता है और वो तुरंत वहाँ से भागने लगता है। वेन चाओ चिल्लाता है और उसके पीछे सैनिक भी लग जाते हैं। विभूषण वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा होता है तब वेन चाओ भी उसकी मदद करती है और एक गुप्त सुरंग से वो विभूषण को उस जगह से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है और उससे ये वादा लेती है वो वापस जरूर आएगा अपना रिवेंज पूरा करने के लिए। विभूषण उसे कहता है वो उसके साथ चले पर वेन चाओ उसके लिए मना कर देती है और विभूषण को वहाँ से जाने के लिए कहती है। उसके पीछे अभी भी सैनिक लगे हुए थे जो उसे ढूंढ रहे थे। वो भाग कर हीलिंग की तरफ जाने लगते हैं जैसा कि वेन चाओ ने उसे बताया था, जहाँ वो सुरक्षित रह सकते हैं। वो उसी रास्ते से जाते हैं जहाँ उसका विलेज पड़ता था, जहाँ वो पहले रहता था। और वहाँ का एक नज़ारा देखकर उसका दिल दहल जाता है क्योंकि अब वो तो जगह पूरा सुनसान बन चुकी थी, पूरे विलेज को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। वो खुद से कसम खाता है
वो पूरे वैंस को खत्म कर देगा। उन लोगों ने उसकी पूरी दुनिया ही उजाड़ कर रख दी। उसके पेरेंट्स, उसका प्यार, उसके परिवार वाले जो इस विले में रहते थे, सबको खत्म कर दिया। आखिर हम लोगों ने उनका क्या बिगाड़ा था? वो गुस्से से अपना दांत पीसता है। उसकी सेंट नेल्स ने अब उसके गुस्से का रूप ले लिया था। वो बस रिवेंज चाहता था और वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। तभी उसे एहसास होता है कुछ लोग उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तब वो वहाँ से भागता है येलिंग की तरफ और फिर वो येलिंग के पर्वतों में खुद को छुपा लेता है। ओके गाइस, ये वाला पार्ट यहीं एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक, तो बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तो मैं इस पार्ट में इस फ्लैशबैक का एंड करने वाली थी, बट ऐसा नहीं हो पाया। चलो कोई बात नहीं, अगले पार्ट में ये एंड